हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका आपकी हिंदू एडिटोरियल की क्लास डिस्कशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2019 और ये क्लास यूपीएससी, एससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये क्लास हमने लॉन्च की है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हल निकाल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्लास शुरू करने की, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं दोबारा क्लास शुरू करूँ, बाकी मैनेजमेंट के मानने पे, विवेक सर के मानने पे। दोस्तों देखो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखो ये इस क्लास को कम से कम 2000 के आसपास बच्चे देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अपने आसपास के नेटवर्क में, जो बच्चे रोज रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उनको ये शेयर कीजिए कि हाँ ये क्लास शुरू हुई है जो हिंदू एडिटोरियल को हिंदी में अनुवाद कर बताती है, ताकि बच्चों को अपने रेगुलर पॉइंट्स पता चल सके, ताकि वो मॉइंस वगैरह में कर सके, ठीक है दोस्तों। तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है, हम अपनी बात कर लें दोस्तों, सबसे पहले आता है आर्टिकल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू स्टिमुलेट ग्रोथ। कुछ खास पॉइंट्स नहीं है इससे संबंधित, कल हमने किया ही था। उसके बाद आता है टेकिंग ए फार ईस्ट टर्न टू डीपन ए फ्रेंडशिप। रशिया के साथ कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, तो कहते रशिया के साथ दोस्ती को और गहरा करने के लिए रशिया के पूर्वी भाग में जाएं, इससे संबंधित हम डीप में बात करेंगे। फिर इसके बाद है इंटरनल अफेयर्स, जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ कमीशन हुआ है, जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ कमीशन हुआ है आसाम में, ये उससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और बांग्लादेश का रोल, सुप्रीम कोर्ट का रोल, सेंटर का रोल, इससे संबंधित बातें करेंगे कि क्या क्या बात चल रही है। और न्यू नॉर्म्स, ये है सेबी से संबंधित, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को हैंडल करता है, म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करता है, इन सब चीज़ों को हैंडल करता है, बॉन्ड मार्केट को हैंडल करता है। इन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को, अपने जो अपनी इन्होंने कानून बना रखे थे, उनको थोड़ा आसान कर दिया है। किसके लिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए देश में, ठीक है दोस्तों। कौन सी? FPI। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद ये कोई खास सेम पॉइंट्स ही है। अब ये बात आती है बेल्ट एंड रोड ब्लॉक्स की, ठीक है दोस्तों। देखिए, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है दोस्तों, ये उससे संबंधित है। देखिए इसमें ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई है कि ऐसा क्या कारण था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ। देखिए वो कह रहे थे कि चाइना में ओवर कैपेसिटी हो गई थी, चीजों बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन जो कारखाने हैं उससे संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा सामान आ गया था। तो वहाँ के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इनको कहा कि क्यों ना हम ऐसे प्लान्स लॉन्च करें जिससे हम अपना जो हमारे पास वास्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है दोस्तों, आपको पता ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में भी आता है, जो बाहर की करेंसी को कोई भी देश रिजर्व करके रखता है, जैसे कि US को सबसे ऊपर माना जाता है, US की डॉलर की करेंसी ऑफिशियली यूज की जाती है। तो उसी के संबंधित वो कह रहे हैं कि इसके पास ओवर कैपेसिटी थी, कि इसकी लोहे की, सीमेंट की, एल्युमिनियम की, ग्लास की, कोयले की, शिपिंग इंडस्ट्री की, और इनके पास बहुत सारे ऐसी लेबर भी थी जो अभी तक रोजगार नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे पास सब कुछ तो है, तो करो। तो BRI रोड इनिशिएटिव के संबंधित बातें शुरू हुई। तो 2013 में जब वहाँ के प्रेसिडेंट जाई पिंगपिंग ने अपना शुरू किया, ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भी होकर गुजरता है, ठीक है, जिसमें भारत ने भी अपनी आपत्ति जताई है कि हम नहीं करेंगे, और भी कई प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये बात बता रहे हैं कि इसमें कम से कम अभी तक $200 बिलियन का खर्च आ चुका है, और इसके द्वारा $5 ट्रिलियन की, मतलब आज तक की उनके व्यापार पर पहुंच चुका है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद जो ट्रेड पर पहुंच चुका है, उन्होंने ये कहा है कि जिन जिन देशों में भी BRI प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके साथ जो चाइना का व्यापार है वो 6% तक बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये रोड ब्लॉक की बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि अब ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है। वो कह रहे हैं कि ओवर कैपेसिटी होने के बावजूद भी चाइना की सरकार अपनी कंपनियों का पूरा पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर सकी, पहला बताया उन्होंने। फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, कि इसके कारण लोकल इनपुट्स, जो लोकल जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में भी काम चल रहा है, उनमें लोकल इनपुट्स ना मिलने के कारण, लोकल सहायता ना मिलने के कारण, कई जगह पर लैंड लेने के लिए, जगह लेने खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं जगह पर पोल्यूशन का कारण, कहीं जगह पर परफॉर्मेंस डिले हो रही है, कहाँ करप्शन है, कहाँ फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, कहीं कर्जा बहुत चढ़ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कम है। तो इन सब कारणों के चलते कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आई है, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने कई जगह पर कई हजार किलोमीटर, जैसे 12,000 किलोमीटर एक लंबी रेलवे लाइन बनाई है एक जगह में, ठीक है दोस्तों।
तो वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा महंगी पड़ रही है उनको, कई जगह पे इन्होंने पाइपलाइन बनाई है गैस और पेट्रोलियम को ट्रांसफर करने लिए, वो भी महंगी पड़ रही है, तो ये चीजें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब। फिर वो कह रहे हैं कि रियल चैलेंज क्या है, रियल चैलेंज में इन्होंने ये कहा है कि चाइना की सरकार ने ये अपने जितने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में कहा है कि जितने भी देश हैं कि हम आपके साथ जो आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, उनको भी डर लगा है कहीं हम बर्बाद ही ना हो जाएं। और कहीं ना कहीं ये बातें भी आ रही हैं कि जो रियल चैलेंज है वो कहीं ना कहीं ये है कि इसमें सभी लोगों का बराबर भाग होगा, कि ये सिर्फ चाइना की एक स्कीम ही ना बन के रह जाए जिसमें चाइना का ही सबसे ऊपर कंट्रोल हो, बस यही बात है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ अब हम चलते हैं हमारे ये तीन आर्टिकल पर, थोड़ी डिटेल में बात कर लें। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये वाला आर्टिकल, ठीक है, इस आर्टिकल में ये बात क्या कर रहे हैं, रशिया के फार ईस्ट जाने की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिया को फायदा होगा, कैसे हम समझे। देखिए ये राइटर बात शुरू कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं इसमें सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी व्लादिवोस्टोक। ये एक शहर है, ये एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, बंदरगाह है, ठीक है, किसका, रशिया का, जो कि पूर्व के रशिया के पूर्व में आता है, ठीक है। अब इससे इसके अराउंड ही सारी बातें घूमेंगी। अब सबसे पहले बात कर लें कि 48 साल पहले क्या हुआ था, कि यूएस और ब्रिटिश की नेवीज ने क्या किया था, इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट किया था, जब इंडिया और पाकिस्तान की 1971 की जंग चल रही थी, जब वो आ गए थे, उसकी नेवीज यहाँ पहुंच गई थी, तो उनको रोकने के लिए जैसे कि इंडिया और सोवियत यूनियन की दोस्ती थी, एग्रीमेंट हुए थे, तो रशिया ने अपना न्यूक्लियर आर्म्ड फ्लोटिला भेज दिया पैसिफिक फ्लीट में, ठीक है, जो कि व्लादिवोस्टोक में खड़ा हुआ, वहां का जो उसका जो फ्लीट थी पूरी की पूरी आर्म्ड, न्यूक्लियर आर्म्ड जंगी बेड़ा था, जहाजी बेड़ा था, ठीक है दोस्तों, वो सारा का सारा जो कि व्लादिवोस्टोक बंदरगाह पर खड़ा था, वो भारत की तरफ इंडियन ओशन में भेज दिया भारत को सपोर्ट करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियंस के दिल में ये जगह एक बहुत बड़ा जगह रखती है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट में गए, वहां पर उन्होंने ये प्लान अनाउंस करेंगे कि हम रशिया के जो फार ईस्ट में, मतलब जो ये व्लादिवोस्टोक है, ये जगह है, ये व्लादिवोस्टोक जगह रशिया के फार ईस्ट में है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप पे, बिल्कुल पूर्व के भाग में है, तो वो कह रहे हैं वहां पर जाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा हमारे ऊपर कर्ज है इनका, तो वो उतारा जा सके, ठीक है। और उसके बाद ये बात करते हैं कि फार ईस्ट लाई इन द एशियन पार्ट, कि जो ये फार ईस्ट का जो व्लादिवोस्टोक पार्ट है, एरिया है, जगह है, ये एशिया में आते हैं ना कि यूरोप में आते हैं, क्योंकि रशिया का कुछ भाग एशिया में भी आता है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये लेस डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि आज तक जितनी भी डेवलपमेंट फॉरेन कंट्रियों द्वारा आई वो जो यूरोप में भाग आता है रशिया का, वहीं पर ही गई, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब एशियन नेशंस के जो इन्वेस्टमेंट रशिया में शुरू हुई, उसने जो गति पकड़ी वो कब पकड़ी, जब 2014 क्रीमिया क्राइसिस हुआ। क्रीमिया क्राइसिस क्या था, कि क्रीमिया एक जगह थी जिसको कुछ क्लेम्स करते हुए रशिया ने जबरन ले लिया था, ठीक है दोस्तों, तो उसके तहत बहुत से देश इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट गए थे, डेवलप्ड देश, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूके, फ्रांस जैसी कंट्रियाँ, कनाडा जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्रियाँ। और उसी के साथ क्या होता है कि इसी के अंतर्गत बात आती है एन आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक रीजियन की। अब ये भी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में भी कौन सा है, अब देख लें सबसे पहले इन चीजों को। ये देखिए ये जगह है व्लादिवोस्टोक, ठीक है, जब यहाँ पर नेवीज पहुंच गई थी तो ये घूम कर यहाँ से यहाँ पहुंचा था हमारे इंडिया की रक्षा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो व्लादिवोस्टोक की बात हो गई, और उसके बाद आती है इंडो पैसिफिक रीजियन की, ये है इंडो पैसिफिक रीजियन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें तनातनी चलती रहती है चाइना, क्योंकि अपना बहुत प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसी के अराउंड अब बात, दूसरे पहली बात तो हुई व्लादिवोस्टोक में इन्वेस्टमेंट करने की, पहले उन्होंने बताया कि वहां से हमें मदद मिली, फिर हम कह रहे हैं कि हम उनका कर्ज चुकाएंगे, ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, तीसरा एंगल इसमें ये जोड़ते हैं कि द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक है जो विच सिग्नल इंडिया इज विलिंग टू वर्क यूएस, ठीक है। देखिए इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसी के चलते जिसमें चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था समुद्री इलाकों में, अपनी जो मैरीटाइम पावर थी, जो अपने समुद्री बेड़ा था, जहाजी बेड़ा था, सो है ना, तो नेवी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो इंडिया थोड़ा यूएस की तरफ टिल्ट हुआ, यूएस की तरफ बढ़ा, ठीक है। अब यूएस की तरफ जाना क्या था, क्योंकि उन्होंने चाइना को प्रेशराइज करना था। अब देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आई, रशिया को चिंता होने लगी कि कहीं कहीं ये ना हो कि यूएस उन पे ऊपर प्रेशर डाले कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी इस तरह से मोल्ड करे कि रशिया को अपना एक बहुत बड़ा दोस्त खोना पड़ जाए, पहला, और दूसरा अपसा सबसे बड़ा बिगेस्ट बायर, रशिया के जितने भी मिलिट्री के हथियार हैं इंडिया उसका सबसे बड़ा बायर है, सबसे बड़ा खरीदार है, कहीं वो ना खो दे। लेकिन जैसा कि हमने बात कर ली, यह व्लादिवोस्टोक, ठीक है,
भूलना नहीं इस जगह को। अब वो कह रहे हैं कि अब इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने जो बात की कि हम मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, मल्टीपोलर मतलब द्वि मतलब बहुपक्षीय हो इंडो पैसिफिक रीजन, कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिर्फ एक देश का कंट्रोल ना हो जैसे चाइना करना चाह रहा है, सभी देशों का कंट्रोल हो बराबर, ठीक है दोस्तों। इसलिए वो कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में वो किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं कर रहे, भारत का प्रयास है कि वो वहां पे इंक्लूसिवनेस और स्टेबिलिटी को बढ़ाए, ठहराव को बढ़ाए, ठीक है दोस्तों। उसी के चलते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को सोची इनफॉर्मल समिट हुआ था तब भी, संग्राइला डायलॉग हुआ था तब भी, कहा उन्होंने जोर दिया कि इंडो पैसिफिक इज नॉट ए क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर, ये कुछ लोगों का मेंबर्स लोगों की जगह नहीं है, क्योंकि न्यू दिल्ली चाहता है कि यहाँ पे इंक्लूसिव इंगेजमेंट हो, सभी के सभी प्लेयर्स आके इसमें काम करें, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है कि जब लगातार इंगेजमेंट होती है, लगातार इंडिया रशिया से इस तरह की बातें करता है, तो हमें उसका फल मिलते हैं, ठीक है। कैसे कि दोनों कंट्रियां मिलकर अब इंडो पैसिफिक रीजन को बहुपक्षीय मल्टीपोलर बनाने की तरफ निकल पड़ी हैं, ठीक है। अब इंडिया इसको मनाने में राजी हो गया है और मना भी लिया है। उसने ये भी कन्फर्म किया है कि यूएस के साथ जो हमारी दोस्ती है, वो हमारे साथ जो रशिया की दोस्ती को कभी नहीं तोड़ सकता, कभी इसको इफेक्ट नहीं होने देगा, इसके आप चिंता दूर कर दीजिए। तो रशिया भी चाहता है कहीं ना कहीं कि जो ये यूरेशियन रीजियन है, इंडो एशियन रीजियन है, क्योंकि एक तो इंडो एशियन रीजियन में वो बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव और अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में जैसे वो इटली में भी जाके BRI के अंतर्गत जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं एशिया और यूरोप को भी कंट्रोल में लेने की कोशिश। वो रशिया चाहता है कि ये ना हो कि किसी चाइना के कंट्रोल में सारा एरिया हो, वो भी नहीं चाहता। तो इसीलिए उसने अपना डीप करना शुरू कर दिया है कोऑपरेशन को, अपने समझौतों को, कौन सी कंट्री के साथ, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जो चाइना के साथ कहीं ना कहीं दिक्कतों में रहती है। अब देखिए हाल ही में रशिया और चाइना एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे थे, जैसे कि इंडिया और यूएस एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, अगर हम अपना दोस्त भी खोते हैं और दोनों के दोनों कम्युनिस्ट भी हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इंडिया ने अब देखो इतना बड़ा टर्न लिया है, कहीं ना कहीं अब सबको ही अपने कंट्रोल में कर लिया है इंडिया ने, ठीक है, यूएस भी और रशिया भी, ठीक है। अब देखिए कुछ ना कुछ तो नुकसान इसके होते ही हैं, लेकिन फायदे भी होंगे, ठीक है, वो चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सकेगा। अब देखिए इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, जिसमें वो साउथ ईस्ट देशों को और ईस्ट देशों को इंक्लूड करके बैठा था, अब उसने उसमें रशिया भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो 17 देश है जो ऑलरेडी फार ईस्ट में, जैसे कि मैंने बात की कि ये बिल्कुल ही पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है, रशिया का बिल्कुल फार ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा 17 देश अब भारत में। अब देखिए फार ईस्ट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारा पोटेंशियल चुका है इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, एनर्जी का, टूरिज्म का, ठीक है, ऊर्जा, पर्यटक, एग्रीकल्चर, ठीक है दोस्तों, किसानी, डायमंड माइनिंग, अल्टरनेटिव एनर्जी और बहुत कुछ भी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये इंडो पैसिफिक रीजन है जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पर चाइना साउथ चीनिया सी में तो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और बहुत बड़ा ट्रेड हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं से अपना वो प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और इंडिया भी इसको काउंटर करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है, जैसे कि पॉलिसी आई। अब देखिए जब मिस्टर मोदी अब क्या करेंगे, व्लादिवोस्टोक विजिट करेंगे, और ये विजिट कहीं ना कहीं आइसोलेटेड नहीं होगी, सबके सामने ओपन होगी, ठीक है दोस्तों, क्या होगी, ओपन होगी। अब देखिए ये भी नहीं है कि अब एकदम से इंडिया वहां इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गया, नहीं, इंडिया वहां पर कॉन्स्टेंटली एंगेज था, जैसे कि ऐसा हुआ था कि रशिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वीजा को आसान कर दिया था, इंडिया के लिए आसान किया था, ठीक है, और इंडिया ने $10,000 का फंड प्रोवाइड करने की बात की थी वहां के एक यूनिवर्सिटी को, इंटरनेशनल स्टडी सेंटर को, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है MIT यूनिवर्सिटी जो इंडिया की, और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि रशिया की है, और कल्चरल पे, ठीक है। अब इसके बाद और भी बात है कि वहां पे लैक ऑफ मैन पावर है, जैसे कि वहां पे इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स जाके वहां पे बहुत काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की वहां पे कमी है, और कहीं ना कहीं जो बैलेंस भी क्रिएट करेगा, जैसे कि रशिया चिंतित है कि वहां पे चाइनीज लोगों की माइग्रेशन बहुत हो रही है और कहीं ना कहीं चाइनीज ही कंट्रोल हो रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं अब इंडिया भी जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इंडिया टिम्बर का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और वहां पे हमें टिम्बर के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, इसमें भी हमें फायदा होगा। अब इसके बाद अगर क्या बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक तो दो देशों की पॉलिसी होती है कि देश का दोनों देशों के सेंटर डिसाइड करके क्या करना है, लेकिन नहीं, अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पैरा डिप्लोमेसी को भी इंपॉर्टेंस दिया है। उसमें क्या होगा कि
कि जैसे भारत है, भारत के कई राज्य हैं, भारत के कई राज्य खुद ब खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश के राज्यों से जाकर संपर्क करें, उनके साथ व्यापार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, ये भी हो सकता है। अब उसी के तहत जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पीयूष थे कॉमर्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर्स का और कुछ रिप्रेजेंटेटिव 140 कंपनियों का डेलीगेशन वहाँ पर गया था, इसी के तहत बात हुई। ठीक है दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट जाएगा। और एक बहुत बड़ी जीत आने वाली है, वो क्या कि दोनों कंट्रियां जैसे इंडिया और रशिया के बीच में चाइना और व्लादिवोस्टोक टी रूट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो सामान इंडिया टू रशिया, रशिया टू इंडिया, ठीक है, 40 दिनों में पहुंचता था, क्योंकि वो रूट अभी स्यूज कैनल का रूट था, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप में, अब इस रूट द्वारा चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट सिर्फ 24 दिन का रह जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी पर भी एक तरह का दबदबा चाइना का कटेगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि अब रशिया भी मेरे अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि उसका ट्रेड भी अब इस रास्ते से होगा। ठीक है, यहाँ करके कुछ व्लादिवोस्टोक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ करके चाइना है, और यहाँ से ट्रेड होगा तो हमें फायदा भी तो होगा ना, हम काउंटर कर सकेंगे। देखिए इंडिया की राजनीति किस तरह की काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, अब यही सब कुछ है। और उसमें अब देखिए इंडिया रशिया वियतनाम ट्राइलेटर कोऑपरेशन भी होने होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फायदा होगा हमें, ये देखिए। अब देखिए, अभी हमारा ट्रेड रशिया से यहाँ से होता है, ऐसे जाके यहाँ पे स्यूज कॉर्नर, यहाँ से घूम घुमा के होता है, कितना लंबा है और 40 दिन लगते हैं, खर्चा भी पड़ता है, यहाँ से आसान होगा और हम चाइना का भी काउंटर कर सकेंगे साउथ चाइना सी में। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ है। अब यहाँ पे हमारा आर्टिकल आगे पूरा होता है। अब इसमें वो तीन बातें करते हैं कि एक तो यहाँ से हमें मदद मिली थी व्लादिवोस्टोक से, दूसरा अब हम व्लादिवोस्टोक में इन्वेस्टमेंट करके मदद करेंगे, फिर वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं व्लादिवोस्टोक की इतिहास को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया एक ऐसी पॉलिसी करने जा रहा है, सी रूट बनाने जा रहा है, जिससे हमें फायदा होगा। ठीक है, तो इसी से अब हम चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं। अब वो क्या है, इंटरनेशनल अफेयर्स की। इंटरनेशनल अफेयर्स में बांग्लादेश की बात आती है कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ कमीशन हुआ है असम में, ठीक है, जिसके अंतर्गत वहाँ पे लोगों को अपना जितने भी एक डेट तय कर दी गई कि आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं यहाँ के सिटीजनशिप के लेके आइए, अगर आपके गलत हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ करके काम हुआ है, तो वो कह रहे कि बांग्लादेश से माइग्रेशन हुई थी इंडिया में। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने आई है। वो क्या है कि जो जयशंकर है वो ढाका गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी नेशनल रजिस्टर ऑफ कमीशन को पब्लिश करने वाले हैं, जो कि असम में हुआ। ठीक है, अब बांग्लादेश कहीं ना कहीं उससे कतरा रहा है, वो देखते हैं कैसे। अब स्टार्टिंग में जो बात शुरू शुरू होती है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार सेंटर को, केंद्र सरकार को कहता रहा है कि आप ये पता कर लीजिए कि बांग्लादेश जो भी लोगों को हम फॉरनर घोषित करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, किसके तहत, कि कौन सी पॉलिसी के तहत, इस पॉलिसी के तहत कि ये हमारे वासी नहीं है, हमने नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ कमीशन किया, हमने पूरी अपनी फॉर्मल जितना भी वर्क था हमने कर लिया, प्रोसेस कर लिया, हमने चेक कर लिया, ये हमारे नहीं है, तो क्या बांग्लादेश इनको लोगों को स्वीकार करेगा। 40 लाख के करीब की गिनती बैठ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओकेजन टू से दैट सेंटर हैज नॉट एंगेज बांग्लादेश इन ए सब्सटेंटिव डायलॉग इशू। इसमें सेंटर बांग्लादेश के साथ इतना एंगेजमेंट में बात वार्तालाप नहीं की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कह दिया कि एनआरसी अब एक इंटरनल इशू है। ठीक है, अब देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने लगातार ये कहा है कि जो ये 40 लाख लोग है ना, ये हमारे नहीं है, इसको हम अपना, चाहे वो सिटीजन एनआरसी से बाहर होते हैं, हम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप उनको बाहर निकाल दो तो वो हम रखेंगे, वो हमारे लोग नहीं है, हम सिरे से नकारते हैं। और बांग्लादेश लगातार ये भी कहता रहा है कि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे लोगों ने इलीगल अवैधानिक रूप से वहां माइग्रेट किए। ठीक है दोस्तों, ये भी बांग्लादेश नहीं स्वीकार रहा इंडियन टेरिटरी में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जो डेली न्यूज़पेपर है, ठीक है, डेली स्टार न्यूज़पेपर, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर ए के अब्दुल मोमन ने कहा है कि जयशंकर ने कहा कि आपको इस पर इतना जितना का चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अभी सेंटर का इसको लेकर क्या प्लान है, जो लाखों लोग आ रहे हैं जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स आते हैं और भी कई, तो इनको लेकर उनका क्या प्रोग्राम है, इंडिया सरकार का क्या प्रोग्राम है। अब देखिए बीजेपी का शुरू से ही एजेंडा रहा है, उन्होंने कहा कि जो अवैधानिक रूप से इलीगल रूप से बांग्लादेशी यहाँ घुसे हैं असम में या दूसरे देश के इलाकों में, हम उनको यहाँ से बाहर भेजेंगे, उनको कहो भी भाई अपनी जगह में जाओ। ठीक है दोस्तों, अब पार्टी ने यह भी कहा है कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं एनआरसी से निकल के आएंगे उनको हम सिटीजनशिप देंगे, अपने कानून में बदलाव करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यह है कि देयर इज नो क्लैरिटी ऑन व्हाट गवर्नमेंट प्लान्स
विद द लैक्स ऑफ पीपल, कि जो लोग बचेंगे उनके साथ गवर्नमेंट का क्या प्लान है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल तो खुले ही हैं कंट्री के, ठीक है। सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट कोर्ट एज ऑप्शनल प्लान, फिर उन्होंने कहते हैं कि सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों के लिए जो अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है आसाम में, क्योंकि 40 लाख लोग हैं भाई, कौन स्वीकारेगा उनको? जब बांग्लादेश कहते हैं वो हमारे नहीं है, हम कहते हैं हमारे नहीं है, कहाँ जाएंगे वो? तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या प्लान है सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के पास, ठीक है। तो इसी के वजह कह रहे हैं कि नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एनआरसी प्रोसेस वर्क। अब ये भी उन लोगों को, वो छोटे गरीब लोग हैं, उनको क्या पता। अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सेंटर को ये इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि उनकी डिग्निटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही सब कर करा के आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों, किसके ऊपर? एनआरसी के ऊपर। अब एनआरसी किस चीज पे हुई थी कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए थे, ठीक है, जो भी लोग अवैधानिक रूप से अकानूनी रूप कानून को पालना ना करते हुए आए थे, उनको अब वापस भेजा जाएगा, यही एनआरसी है। अब बांग्लादेश के, भारत कह रहे हैं वो आए हैं, लेकिन बांग्लादेश सिरे से नकार रहा है। अब देखो क्या होता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक नया आर्टिकल, वो है न्यू नॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को हैंडल करता है, ठीक है दोस्तों, उसने कहा है कि हम एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को क्या करने जा रहे हैं, आसान करने जा रहे हैं इसके कई प्रोसेसेस को। अब इसको भी ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर है। देखिए, एफपीआई में भी पैसा बाहर से आएगा, एफडीआई में भी पैसा बाहर से आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है दो तरह की इसकी डेफिनेशन होती है। इसकी एक डेफिनेशन तो ये है कि जो पैसा कम कम गिनती में आता है और जिसके द्वारा हमारा कहीं ना कहीं जिस भी कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट होगा उसमें कंट्रोल नहीं आता और हम सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए ही आ रहे हैं, वो है एफपीआई। और दूसरी तरफ एफडीआई की ये डेफिनेशन की जाती है कि बहुत बड़ी गिनती में पैसा आता है और उससे जो व्यक्ति पैसा लाता है, पैसा लेके आता है, उसका कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी आ जाता है और साथ में बस और बहुत बड़ी गिनती में पैसा आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्होंने एक डेफिनेशन की, और दूसरी डेफिनेशन जो सेबी द्वारा तय की गई है वो ये है एफपीआई और एफडीआई की, कि अगर देश में जो कंपनी की जितनी भी संपत्ति है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी 100 करोड़ की है, ठीक है, अगर 100 करोड़ का 10% देश में, अगर उस कंपनी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो 10% मतलब 10 करोड़, ठीक है, 10% या उससे कम, तो उसको हम एफपीआई मानेंगे। लेकिन अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उस कंपनी की टोटल वर्थ का, जैसे कि 100 करोड़ मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, तो वो उसको हम एफडीआई मानेंगे। ये दो तरह के डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसमें हम खुल के बात कर लेते हैं क्या है कि देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर जो कि भाग रहे थे इंडिया को छोड़ के यूनियन बजट के इस साल के निर्मल सीतारमण के आने के बाद, अब कहीं ना कहीं इंडिया को भी है ना, हमारा बहुत सारा आ जाए, तो सभी ने एचआर खान कमेटी बिठाई और एचआर खान कमेटी की रिकमेंडेशन सलाह के ऊपर उन्होंने बहुत सारे रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस को आसान करने के निर्णय लिए हैं। जैसे कि उनमें क्या क्या आता है, इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बात की है कि हम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है एफपीआई का, ठीक है दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको हम आसान कर देंगे, ठीक है। मुश्किल होने के कारण भी लोग भागते थे। पहले क्या होता था कि एक ब्रॉड बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जिसमें कम से कम इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होता है एक पूल होता है, उसको अलग अलग लोग पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो आगे यहाँ इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मिनिमम 20 इन्वेस्टर फॉरेन फंड उनके पास होने चाहिए और सर्टन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए। अब उसको उन्होंने हटा दिया। उसके बाद दूसरी बात वो क्या करते हैं कि वो अलाउ करते हैं ऑफ मार्केट सेल ऑफ शेयर, जो भी शेयर उन्होंने खरीदे हैं उसका ऑफ मार्केट शेयर सेल हम अलाउ करते हैं कम से कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात उन्होंने ये की है कि जो भी एंटाइटीज, जो भी कंपनियां, ठीक है दोस्तों, जो भी कंपनियां इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ मतलब उन्होंने अलाउ कर रखा है उनको, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एफपीआई काउंट करेंगे हम उनको ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इससे उनके बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब उन्होंने म्यूचुअल फंड्स भी आसान कर दिए हैं, ठीक है, बाहर के, जिससे भी पैसा आएगा और उनको इससे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और उसके बाद आती है कि जो सेंट्रल बैंक मेंबर नहीं है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के, हम उनको भी अलाउ करते हैं, चलो आप भी आओ। फिर वो कहते हैं कि जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है स्मार्ट सिटीज के लिए या अर्बन डेवलपमेंट एजेंसीज द्वारा, हम उसको भी अलाउ करते हैं। और ये क्या क्यों किया गया है, किया गया है मेजर टू कट द रेड टेपिज्म, ठीक है। रेड टेपिज्म क्या कह सकते हैं आप, अफसरशाही कह सकते हो, उसको कम करने के लिए किया गया है और हमारे देश में पैसा आए, ठीक है। अब देखिए, इससे हमारे देश में पैसे की ग्रोथ की, इन्वेस्टमेंट की उम्मीद लगाई जा रही है,
लेकिन इसी के चलते ये क्लियर नहीं है कि सेबी ने जो ये कदम उठाया है, राइटर कहता है क्यों उठाया है। पहला कारण क्या है, ये है कि हाल ही में बजट में आया, बजट लाने के बाद क्या किया कि एफपीआई के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन थी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। क्या इसलिए फंड जा रहे हैं, उसके कारण 20,000 करोड़ देश से बाहर गए। वो कहते हैं चलो हम अगर इसको ना भी माने, एक और कारण भी है कि पूरी दुनिया में एक तरह का ट्रेंड चल रहा है कि कैपिटल फ्लोइंग आउट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है, जितनी भी दुनिया की इमर्जिंग मार्केट है उससे कैपिटल बाहर जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको कम करके वो जो कैपिटल दूसरे देशों से बाहर जा रहा है इमर्जिंग इकोनॉमी से, वो इंडिया अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। हालांकि राइटर कह रहे हैं कि इसमें बेनिफिट होना हो वो बात की बात है। फिर इसके बाद राइटर ये बात कर रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में हमें ये मदद ना भी करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमें ये मदद करेगा ही। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या बात आती है, वाइल द स्टेप्स टेकन बाय पॉलिसी मेकर टू मेक अमेंडमेंट। ठीक है, वो कहते हैं जितनी भी गलतियां उनसे पहले हुई है ये सुधार करके वो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर इसको अपना सुधार करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने ये कहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइज्ड मार्केट, जब जहाँ मार्केट बुरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सारे देश दुनिया की मार्केट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वहां पे हमारा देश, ठीक है, जितनी भी देश डेवलप्ड देशों की कैपिटल है या फिर दूसरी कैपिटल्स है, क्योंकि डेवलप्ड देश तो बहुत सारा डेवलप्ड है, उनके पास हमारे से ज्यादा कम्पीट करने की ताकत है, तो उनकी कैपिटल्स को जो उनकी तरफ जा रही है, कुछ कैपिटल हमारी तरफ आए या बहुत सारी हमारी तरफ आए, उसको कम्पीट करने के लिए भारत को भी अपने कमिटमेंट में रहना होगा। बस यही है आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 आर्टिकल किए। पहला आर्टिकल तो हमने देखा कि रशिया के ऊपर था, दूसरा आर्टिकल हमने देखा कि किसके ऊपर था, अपना एनआरसी जो असम में हुई, और तीसरा आर्टिकल सेबी पे। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इतने खास पॉइंट्स नहीं थे, तो इसमें अपने को ओवर ओवर पिक्चर बना दी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी सुन रहे हो, हमारे आसपास के जितने भी एग्जामपुर के लोग हैं, उनको भेजिए ना। देखिए उनको अपने आप तो पता नहीं चलेगा ना, आप लोग भेजोगे, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो हमें भी, तो मेरा तो इतना बनता है। देखिए वो क्लास क्यों बंद हुई, तो यही कारण है ना। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।